गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक से पढ़ेंगे पार्ट 7, जिसका नाम है 3 मूर्ख। इसमें हम आज ये सीखेंगे कि बीरबल ने अपनी चतुराई व हाजिर जवाबी से कैसे बादशाह को उनकी गलती का एहसास करवाया। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर आपको बादशाह अकबर दिखाई दे रहे हैं और ये हैं उनके मंत्री। एक बार बादशाह ने अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि राज्य से 3 मूर्ख ढूंढ कर ला। राजा की आज्ञा मानकर बीरबल चले गए। वे कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें एक घुड़सवार मिला। वह घोड़े पर बैठा चला आ रहा था। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। बीरबल ने पूछा, अरे ये गट्ठर सिर पर क्यों रखा है, घोड़े पर क्यों नहीं रखते? वह आदमी बहुत ही मासूमियत से बोला, घोड़ा बहुत कमज़ोर है दीवान जी, मेरा ही वज़न ये नहीं संभाल पा रहा है। अगर गट्ठर का वज़न भी इसी के सिर पर रख दूँगा तो ये बेचारा मर जाएगा। बीरबल नए घोड़े का लालच देकर उस मूर्ख को अपने साथ ले आए। रात होने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी दीवार पर लगी लालटेन की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा है। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? वह बोला, मेरा एक सिक्का खो गया है। सिक्का कहाँ खोया था? बीरबल ने पूछा। वहाँ उस वृक्ष के नीचे, आदमी ने इशारा करते हुए कहा। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, तो वहाँ क्यों नहीं ढूंढते? अरे दीवान जी, वहाँ अंधेरा है, इसलिए यहाँ लालटेन के उजाले में सिक्का ढूंढ रहा हूँ, आदमी सहज स्वर में बोला। बीरबल समझ गए कि ये तो मूर्खों का भी मूर्ख है। वे उसे ज़्यादा सिक्के देने का लालच देकर अपने साथ ले आए। फिर बीरबल उन दोनों को लेकर उसी समय बादशाह अकबर के पास पहुँचे और उनके कारनामे बताए। बादशाह बोले, ये सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन हमने तो 3 को लाने को कहा था। तब बीरबल ने कहा, जहाँ पना, बाकी एक मूर्ख भी यही है, बीरबल ने कहा। बादशाह चौक कर इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वे बोले, अरे बीरबल, तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने झुककर कहा, गुस्ताखी माफ़ हो जहाँ पना, तीसरा मूर्ख मैं हूँ जो ऐसा फालतू काम कर रहा हूँ। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने दोनों मूर्खों को इनाम देकर भेज दिया और बीरबल की हाजिर जवाबी देखकर उन्हें भी उपहार दिया। तो बच्चों, इस कहानी ने हमें क्या सिखाया कि हमें बेकार के कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए और सामने वाले को भी बुद्धि से ही काम लेने को कहना चाहिए।